Mrari uh, uh, Bapu, I am not as eloquent as you are, but uh, I just want to say a few words. Thank you for honouring us with your presence. Uh, the UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. They are doing wrong to Muslims. They should not say that. They are doing wrong. They are doing wrong. Basically, if Muslims say salam, they should say Jai Shri Ram. They are doing wrong. Sheikh Sabu, they are doing wrong. They should not say that. मुसलमानों का ये ये नहीं चाहिए जारी बात है उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए लाज भी रखनी चाहिए बंदे को जो, जो ये शेख शेख किस तरफ जा रहे हैं जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर यह सब कुछ हो रहा तो आ, हम क्या करेंगे एज मुस्लिम ऐसे ही है क्या कहते हैं जब शेख होगा यह हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था जब ये करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे आपको पता आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर तेरह टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ भी कर सकते है। क्या हैं क्या समझते हैं हम ये सही है या गलत है गलत है होना ही नहीं चाहिए ये दुबई एक टूरिज्म हब है तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब के वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है तकरीबन सिक्सटी परसेंट हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर तो वहाँ पर अक्सरीत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है गलत है क्योंकि जिससे आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं क्या कहते हैं क्योंकि आपको पता इंडियन में भी जहाँ है उधर भी साठ से सत्तर परसेंट जो मुसलमान ही रहता है अब पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं और दिवाली वगैरह भी बनती है मर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए कहते हैं उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर मुंदर तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा बिल्कुल इनको बनाने नहीं देना चाहिए इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए तो फिर ये नाम के मुसलमान हुए ना फिर अगर जब उनके अब के भगवानों को इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी राय क्या गया सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से आपके शर से आपकी जुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए तो सर अगर हम किसी को उसके मजहब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मजहब को मतलब कि किसी पर जोर ज़बरदस्ती करो उनको मजिदना तो कहीं नहीं है नहीं वो तो नहीं है मगर फिर भी आप एज आ मुस्लिम जो क्या कहते हैं अगर आप यहाँ पर कहें जी रेजकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए हिंदुओं आए आगे बैल बजाने शुरू हो जाए तो फिर ये तो बात तो नहीं है मतलब के मंदिर ही बनने देना चाहिए जारी बात तो नहीं बनने चाहिए वो वैसी बेवकूफों की अकल पे पड़ता है उनको पता ही नहीं होगा कहता जी हमारे साथ जन्म होंगे अल्लाके अलग की अलग तरफ से एक है उसके बाद दोबारा नहीं जिंदगी मिलनी बिल्कुल सही अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है वहाँ पर हिंदू ज्यादा रहते हैं फिर मस्जिद के भी नहीं बनाने देने चाहिए नहीं वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में आधा कंट्री में है इस तरह हर मजहब के हर उसमें होते हैं कंट्री में जो अमेरिका में भी है हर जगह होते हैं जो जो है हिंदू और मुस्लिम जो है और ये गोरे जो है तो और क्रिश्चियन जो है हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें वो भी तो बना रहे हैं फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए उनका भी मजहब खतरे में जाता है इंडिया में क्या शोरी कह रहे हैं आप हिंदू इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी वो क्या नाम था उसका जो बड़ी मशहूर थी जिस पर उन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने जो क्या कहते हैं जब कोरोना के टाइम पे जो क्या हैं इन्होंने किया था ना उसको डैमेज वगैरह भी किया था क्या था लाल मस्जिद नाम था क्या था मुझे याद नहीं था उन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था जाने जुने यहाँ से बंद करो और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था आपको पता सर बीच में जब कितने ज्यादा इनके मरे हैं आपको पता हिंदू सर देखिए वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ और मस्जिदों के साथ ऐसा होता है तो हमारा दिल कितना दुखता है यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन, बन रहा तो हमने नहीं बनने दिया तो इसको कैसे देखते है? वो अच्छी बात उन्होंने नहीं बनने दिया क्या कहते जो तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते अच्छा किया कि हमने के जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी नहीं मज़ी तो बनी शहीद हाँ वो जो आपको पता जिस पे बड़े धंधे फसाद भी हुए थे और आपको पता वो शहीद करने की थी गुंबद जाके गिराने की की थी उन लोगों ने जो है तो उसके बाद फिर काफ़ी मुस्लिम्स ने आगे जो थी कम्यूनिटी जो है उन्होंने उसको किया था उसके लिहाज से जो है वो उठाया था उसका जो ऊपर जो है काफी चीज जो है सर हमें पीस नहीं फैलाना चाहिए हम, आपको नहीं लगता हमें अब ये चीजें छोड़ देनी चाहिए मतलब कि कि मतलब मुसलमान है तो सबसे अच्छा सर हम अगर आप सबसे अच्छे तो दिल में कहें कि मैं सबसे अच्छा हूं। अगर किसी को बुरा कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि उसके दिल में, तो में तो भी तो आपके तो लिए ना किसी भी उंगली उठाओगे तो आप पे भी उठाएगा बात है हम भी तो उंगली उठा रहे ना ही है फिर वो अगर आप उनको नहीं उठाओगे तो वो आप पे नहीं उठाएंगे ऐसे को बुरा कहेंगे तो वो तो हमें अच्छा कहेगा सारी बात नहीं कहेगा यहाँ पर किसी के साथ बदतमीजी करोगे वो भी आगे आपके साथ बदतमीजी से ही जो आप देगा अगर आप प्यार से जो आप वो प्यार से देगा बिल्कुल सही अगर हम यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा होता है नहीं बात है ना सबकी जो अपनी जहनीत की बात होती है क्या कहते हैं ठीक है ना अब कुछ लोग जो जो क्या कहते हैं मुफ्ती हैं 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 आगे हमारे जो 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 बड़े बड़े जो हैं, वो कहते जो नहीं होना चाहिए ये चीज़ जो है पर जो। मुफ्ती तो कहते ही नहीं है सर ये तो हमारी मेंटेलिटी है मुफ्ती तो आपने मुफ्ती अजहर मसूद को सुना होगा और मुफ्ती बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं कि जो की मंदिर के अंदर भी जाते हैं वहाँ विजिट करने भी जाते हैं देखने जाते हैं कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ मेरे पास प्रूफ मुझे देखी ही नहीं मैंने देखी नहीं इसको मुझे मंदिर पर जाना गुना है देखे ना हम जितना नियत एक नियत होती के के एक है ना इंसान की जाता है तो मुसलमान जाते है सर मुसलमान जाते हिंदू भी है वो भी अगर यहाँ से कोई आए हो तो यहाँ पर इबादत करने जाते जा सकते जारी बात है मगर हमारा अकीदा होना चाहिए अपने अमान के ऊपर तो फिर आप जहा मर्जी जा सकते हम किसी को बुरा नहीं ना कह सकते ही है लम्बा नहीं हो गया इंटरव्यू हम क्यों कह रहे हैं नहीं कहना नहीं चाहिए

हिंदू मंदिर क्यों बन रहे हैं इस्लाम के अंदर हिंदू मंदिर बनने का रीज़न ही क्या भाई मंदिर तो बनने ही नहीं चाहिए हम हमारा इस्लाम सबसे आ गया तो मंदिर क्यों बन रहे हैं भाई शेख साहब बोले जय शिया राम तो भाई क्या मतलब ज... बहुत ही गजब की वीडियो मुझे लगी भाई मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर जरूर करनी चाहिए तो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया दोस्तों इसका एक पार्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान के और भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि क्या उनके हाल है भाई इसके पूछने के ऊपर कि भाई दुबई के शेख दो जय शिया राम बोलते हैं अपने भाषण में शुरू में बोलने से पहले तो बताइए कमेंट में अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे तो मिलने वाले आपको वीडियो तो लिए बाय बाय जय हिंद जय श्री राम